नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मीटर रीडर की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मेला देखने पहुंची प्रेमिका ने प्रेमी से शादी करने की ठानी जिद, फिर लोगों ने करा दी शादी, हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। गांजा के साथ चार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दी जानकारी, अंतर्राज्यीय गिरोह का है सदस्य। मैट्रिक परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा देते एक युवक गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। और शहर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला बबरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां बिजली विभाग के मीटर रीडर पंकज कुमार शाह की सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण भागलपुर मायगंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पंकज कुमार साइकिल से मीटर रीडिंग कर अलीगंज चौक के पास से गुजर रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद पंकज को इलाज के लिए पास के ही क्लिनिक में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मीटर रीडर पंकज को मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन मायगंज अस्पताल पहुंचे, जहां पंकज को देखते ही घर वालों के बीच कोहराम मच गया। मीटर रीडिंग के लिए साइकिल से निकले थे ये, अपना हर जगह मीटर रीडिंग बिजली विभाग में प्राइवेट इनको मिला हुआ था रीडिंग लेने का, और वहाँ पर अलीगंज तरफ से जो आ रही थी बाइक, उस पर पति पत्नी सवार थे। हम लोग भी मोटरसाइकिल का नंबर पता करने का प्रयास कर रहे हैं, और थाना प्रभारी बबरगंज से भी आग्रह है हमारा कि वो भी वहाँ पर थोड़ा सा सीसीटीवी फुटेज वगैरह की जांच करके, और वो जो इनके साथ जिसने धक्का मारा उस बाइक वाले का नंबर पता करें। भागलपुर शाक्षक अंतर्गत लालूचक भट्टा की रहने वाली मनीषा कुमारी ने शहर के मिर्जान हाट निवासी अपने प्रेमी प्रिंस कुमार को एक मेले के दौरान शादी के लिए जिद मचा दी, जिससे मेला के दौरान वहां मौजूद लोग भौचक्के रह गए। बताया जा रहा है कि मनीष और प्रिंस के बीच पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, और इन दोनों की मुलाकात कोचिंग में पढ़ने के दौरान हुई थी, जबकि यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वहीं काफी दिनों तक घर वालों से छुप छुप कर ये दोनों एक दूसरे से मिलते रहे, जबकि प्रिंस अपनी प्रेमिका को बिना बताए ही जब मेला देखने पहुंचा, तभी उसकी प्रेमिका मनीषा भी वहां पहुंच गई और प्रिंस से शादी करने की जिद करने लगी। इस दौरान प्रिंस के द्वारा लाख समझाने के बाद भी प्रेमिका मनीषा नहीं मानी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से एक मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। वहीं शादी के बाद इसकी जानकारी मनीषा के घर वालों को दी गई, लेकिन प्रेमिका के परिजन ने शादी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया, जबकि मंदिर में ही मनीषा ने अपने माता पिता को छोड़कर प्रेमी प्रिंस के साथ पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला लेकर लोगों की मौजूदगी में शादी कर ली। साथ ही प्रेमी प्रेमिका से पति पत्नी बने मनीषा और प्रिंस ने साथ फेरे लेकर सातों वचन निभाने की भी कसम ली। क्या नाम हो बाबू तुम्हारा? मनीषा कुमारी। क्या चाहती हो? कितना एज है तुम्हारा? कितने दिन से ये चल रहा है? कैसे जानी? लड़का 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 क्या बोलता है? बिहार पुलिस द्वारा जन सहभागिता जागरूकता रैली निकाली जा रही है, जिसके तहत हर वार्ड एवं प्रखंड के लोगों से पुलिस संवाद भी कर रही है। वहीं पुलिस की सक्रियता के कारण भागलपुर पुलिस को तीन बड़ी उपलब्धियां हाथ लगी है, जिसमें लोदीपुर और औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से 19 ट्रैक्टर बालू एवं एक ओवरलोड बालू से लदा हाईवा पुलिस ने जब्त कर 10 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर DSP विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार ने जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DSP ने बताया कि एक अन्य मामले में सनहोला चेक पोस्ट पर 21 किलो गांजा के साथ 4 मोबाइल और 5,500 रुपया भी बरामद किया गया है, जिसके साथ 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में चंदन कुमार और सुब्रतो राय के अलावा 2 महिला लक्ष्मी मजुमदार और सपना राय शामिल है, जो सिल्लीगोड़ी से भागलपुर गांजा की तस्करी के लिए आए
हुए थे। इधर पुलिस इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के द्वारा गोरख धंधा चलाने की आशंका जता रही है। इसके अलावा सुल्तानगंज में हुई एक अन्य घटना में यादव लॉज में घुसकर कुछ नकाबपोश बदमाशों द्वारा वहां रह रहे छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। इसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, जहां से पुलिस को एक अपराधी सुल्तानगंज वार्ड नंबर 28 निवासी दिनेश प्रसाद सिंह के पुत्र दीप सुमन से एक देशी राइफल और 8 MM का जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इन सब ने चार तस्कर को खदेड़ कर पकड़ा। इसके साथ साथ 21 किलोग्राम गांजा के साथ साथ 4 मोबाइल जो है वो जब्त किया गया और नगद जो है 5,500 रुपये भी जब्त किया गया। और इसमें 4 गिरफ्तारी हुई है। एक जो अभियुक्त है वो सन्हौला का है और 3 अभियुक्त जो है वो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के। तो हम लोग इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज जो है उसका उस पर काम कर रहे हैं और इसका जैसे ही हम लोग को आगे सूत्र मिलेगा तो आगे जो है हम लोग जो है दूसरे स्टेट में भी। कल लगभग 7 बजे सूचना मिली सुल्तानगंज थाना को कि कुछ असामाजिक तत्व जो है एक लॉज के ऊपर उन्होंने कुछ लोगों के ऊपर असॉल्ट किया, अटैक किया। कुछ पुराना विवाद चल रहा था शिवरात्रि के समय, तो उस असॉल्ट में जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो SHO सुल्तानगंज के नेतृत्व में जो असामाजिक तत्व थे और कुछ CCTV को फुटेज को खंगाला गया और मैनुअल इनपुट के तहत दीप सुमन उसके घर पे छापा मारा गया, जो कि उसके ऊपर पहले भी आपराधिक इतिहास है 307 का। और छापा मारने के क्रम में देसी राइफल जो है उसके घर से बरामद हुआ और एक जिंदा गोली जो है उसके घर से बरामद हुआ। भागलपुर सिटी कॉलेज में मैट्रिक परीक्षा की दूसरी पाली में चल रही संस्कृत की परीक्षा के दौरान शिक्षक ने एक मुन्ना भाई को परीक्षा देते हुए पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि छात्र चंदन कुमार के नाम पर छोटू कुमार नाम का युवक परीक्षा दे रहा था। दरअसल परीक्षा के दौरान एडमिट कार्ड जाँच करने के क्रम में शिक्षक को युवक पर शक हुआ। इसके बाद जाँच करने पर वह फर्जी परीक्षार्थी निकला, जिसकी सूचना तुरंत केंद्राधीक्षक के द्वारा थाने को दी गई। वही इसके बाद मौके पर मजिस्ट्रेट के समक्ष फर्जी परीक्षार्थी मुन्ना भाई को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जिसे हिरासत में लेकर पुलिस थाने में पूछताछ कर रही है। मामला आज परीक्षा सेकेंड सिटिंग संस्कृत विषय का था। छोटू कुमार जो है पिता किशोर यादव, ग्राम बाखरपुर, पोस्ट बाखरपुर, थाना बाखरपुर जिला। ये चंदन कुमार के नाम पर जो है परीक्षा दे रहा था। पिता सरवन कुमार गुप्ता, रोल कोड 31502, रोल नंबर 23001121, रामरेखा तिवारी हाई स्कूल बाखरपुर पीरपति भागलपुर। भागलपुर कहलगांव रेलवे स्टेशन के समीप मंगलवार को मैट्रिक की परीक्षा देने जा रही एक छात्रा को आवारा कुत्ते ने काट लिया। इसके बाद परिजनों द्वारा जख्मी हालत में उसे इलाज के लिए कहलगांव अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल कहलगांव रेलवे स्टेशन के समीप आवारा कुत्ते के आतंक से इलाके में कोहराम मचा हुआ है और बीते दिनों भी आवारा कुत्ते ने 3 लोगों को अपना शिकार बनाया था, जबकि एक बुजुर्ग को भी कुत्ते ने अपना शिकार बना लिया था। इसको लेकर लोगों का कहना है कि स्टेशन परिसर में आए दिन आवारा कुत्तों के कारण इस तरह की घटना होती रहती है, लेकिन प्रशासन की ओर से इसको लेकर कोई पहल या कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे हमेशा यहां आने जाने वाले लोगों के मन में कुत्तों का भय बना रहता है। भागलपुर सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व प्रभारी कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार के कार्यकाल में सुरक्षा एजेंसी के चयन का मामला विवादों के घेरे में है। वही TMU प्रशासन ने भी विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए उसी एजेंसी का चयन किया है, जिसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। बताया जा रहा है कि BAU में समानता सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पटना की तकनीकी बिट रद्द होने के बावजूद टेंडर दिया गया था, जिसकी जांच के लिए EOU की टीम पिछले दिनों BAU पहुंची थी। वहीं इस दौरान EOU की टीम टेंडर से जुड़े डॉक्यूमेंट को अपने साथ ले गई, जबकि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के अलावा कुलपति, प्रतिकुलपति और रजिस्ट्रार आवास, दिनकर भवन कैंपस, ओल्ड PG कैंपस, विश्वविद्यालय स्टेडियम, रविन्द्र भवन सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सोमवार से उसी कंपनी के सुरक्षा गार्डों की तैनाती कर दी गई है। हालांकि विश्वविद्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कमीशन के चक्कर में TMU के अधिकारियों ने विवादित एजेंसी को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि इसको लेकर प्रॉक्टर प्रोफेसर SD झा ने बताया कि विश्वविद्यालय में लगभग 45 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसकी ड्यूटी अलग अलग शिफ्ट में रहेगी। प्रॉक्टर प्रोफेसर SD झा ने कहा कि सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों
को सभी जवानों के आधार कार्ड की फोटो कॉपी और अन्य कागजात कुलानुशासक कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया है। इधर सामंता सिक्योरिटीज के मामले पर वित्तीय कमेटी के सदस्य और टीएमपीयू के सीनेट सदस्य मुजफ्फर अहमद ने भी सवाल खड़े किए हैं। हाँ, वो ऐसा है ना कि वो एक निजी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने ऐसा ही निर्णय लिया है और विभिन्न जगहों पर सुरक्षा कर्मी को लगाया गया है। कितने सुरक्षा गार्डों की तैनाती हुई है सर? अभी जो रफली है वो अभी 45 जो रफली एक आइडिया है, वो कागज मैंने देखा नहीं है, लेकिन 45 के आसपास है। लाठीदारी के अलावा क्या गनमैन भी रहेंगे सर? हाँ, गनमैन भी रहेंगे, लाठीदारी के अलावा गनमैन भी रहेंगे। ये आज तिलका मांझी भागा विश्वविद्यालय में 50 सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया गया है। हम लोगों के पहले संज्ञान में नहीं था। ये वित्त कमेटी में ऐसा कहा गया था या ऐसा पास हुआ था कि सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के नाम के लिए कोई चर्चा नहीं हुई थी। इसमें तो टेंडर होना चाहिए, जो टेंडर नहीं हुआ है। क्या लगता है कमीशन में बात आ रहा है? ये तो इंटरनल बात है, वो मैं जानकारी नहीं है, लेकिन किसी खास को अगर मदद किया जा रहा है तो इसके पीछे की मंशा को समझना होगा। नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में बुधवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश पन्नालाल की अदालत ने एक युवक को 14 वर्ष की कारावास और 1,00,000 रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई। इसको लेकर पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि घटनावाद थाना क्षेत्र की है, जिसे 13 फरवरी 2021 को अभियुक्त द्वारा अंजाम दिया गया था। शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि कोर्ट ने पीड़िता को 6,00,000 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जबकि मामले में दोषी करार दिए गए जट्टा सिंह को न्यायाधीश पन्नालाल की अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि इस केस में जितने भी गवाह गुजरे हैं उन सभी ने इस घटना की पुष्टि की है, जिसके आधार पर कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। आज एक मुकदमे में सजा के बिंदु पर रखी गई थी, जो बात थाना में 13/2/21 को दर्ज हुआ था, दुष्कर्म का मामला नाबालिग के साथ। उस मामले में 16/2 को अभियुक्त जट्टा सिंह को दोषी पाया गया था दुष्कर्म मामले में और पॉक्सो की धारा में। उसे आज सजा के बिंदु पर रखी गई थी, जिसमें उसको 14 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा दी गई है और 1,00,000 रुपया आर्थिक दंड दिया गया है। अब पीड़िता को सरकार की ओर से 6,00,000 रुपया मुआवजा हेतु दिया गया। भागलपुर के गोराटी प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय विशनपुर जीछो परीक्षा देने आए 10वीं के छात्र का मंगलवार की शाम परीक्षा केंद्र से ही अपहरण हो गया। बताया जा रहा है कि छात्र द्वितीय पाली में उर्दू विषय की परीक्षा देने केंद्र पर पहुंचा था, जिसकी पहचान लोधीपुर निवासी मोहम्मद ताशीफ के रूप में हुई है। इसको लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पहले कुछ साथियों में परीक्षा केंद्र पर उसकी तूतू मैमै हुई और उसके बाद वह सभी परीक्षा केंद्र से बाहर निकल गए। वहीं गायब हुए छात्र मोहम्मद ताशीफ की मां ने बताया कि 5 दिनों से वो खुद बेटे को छोड़ने परीक्षा केंद्र पर आ रही थी, लेकिन आज उसे कुछ ज़रूरी काम आ गया तो वह बेटे को परीक्षा केंद्र तक छोड़ने नहीं आ सकी और परीक्षा केंद्र से निकलते ही उसके पुत्र को किसी ने अपहरण कर लिया। वहीं गायब हुए छात्र की मां ने स्कूल प्रबंधन पर भी सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि जब बच्चे परीक्षा केंद्र के अंदर झगड़ा कर रहे थे तभी उन्हें सहूलियत से परीक्षा केंद्र के बाहर कर देना चाहिए था, जबकि समय रहते अगर ध्यान दिया गया होता तो शायद तासीफ के साथ ऐसी अनहोनी नहीं होती। फिलहाल घटना के बाद लापता छात्र की तलाश को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हम बच्चों को एग्जाम देने के लिए भेजे, हम डेली आते थे साथ में, आज किसी काम की वजह से नहीं आ पाए। मेरा बाबू भी पुलिस के मम्मी एग्जाम देकर के चल आए और स्कूल के अंदर में लड़ाई हुआ और गार्ड हम क्या कर रहे थे बताया जा रहा, दूसरा बच्चा बोल रहा है और दूसरे बच्चे हमको क्या पता, हम तो अपने घर में नहीं हैं और दूसरे बच्चे किस चीज का एग्जाम, किस चीज का एग्जाम देने आया? टेन का, मैट्रिक का एग्जाम देने आया। क्या नाम था आपका? मोहम्मद तासीफ। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में मीटर रीडर की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। मेला देखने पहुंची प्रेमिका ने प्रेमी से शादी करने की ठानी जिद, फिर लोगों ने करा दी शादी, हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। गांजा के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दी जानकारी, अंतर्राज्यीय गिरोह का है सदस्य। मैट्रिक परीक्षा में दूसरे के बदले परीक्षा देते एक युवक गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। और शहर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।